सीयूटी यूजी 2024 के एग्जाम में बचे हैं महज 3 दिन और हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आज आना चाहिए था लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड की कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि बात यह है कि एनटीए जो है इसका नाम मुझे लगता है बदल करके नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी कर देना चाहिए। इस पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं पिछले 2 सालों से हमने देखा है हर बार का इनका यही कहना है, ठीक है कि देंगे 3 दिन बाद दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, लेकिन पता नहीं कब देंगे और अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, इन्होंने सिटी इंटीमेशन स्लिप दे दी है जिसमें इन्होंने ये बता दिया कि आपका शहर कहां है ये हम बता देते हैं, लेकिन शहर में किस जगह पड़ा है भाई ये भी तो बताओगे, तभी तो जाकर के हम जो है उस शहर में पहुंच पाएंगे, उस शहर में ढूंढ पाएंगे, खोजेंगे कि कहां रहेंगे एग्जाम देने जाते समय, कौन वहां पे हमारा है जिसके पास हम रह सकते हैं, कैसे पहुंचेंगे। ये सारी समस्याएं छात्रों को झेलनी पड़ती हैं, एनटीए को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बस यही कहूंगा मेरे भाई कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एडमिट कार्ड अभी तक तो नहीं आया है, मे भी हो सकता है रात तक आ जाए, ठीक है, या फिर सुबह तक आ जाए। सुबह तक तो आ ही जाना चाहिए क्योंकि कल तो 13 तारीख है, और अगर जैसे ही अपडेट आएगी एडमिट कार्ड की हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, वो है आपकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई एडमिट कार्ड के चक्कर में कहां पड़ा है सेंटर इसके चक्कर में परेशान नहीं होना, क्योंकि लगातार बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, कब आएगा एडमिट कार्ड। भाई एडमिट कार्ड की चिंता छोड़ करके अभी फिलहाल अपने रिवीजन पर फोकस करिए, जो क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है उस पर फोकस करिए। ये सारी चीजें अभी आपके लिए जरूरी है, जैसे एडमिट कार्ड आएगा खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी के ऊपर उतना भरोसा भी मत करिए, जब आएगा वो हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, और परेशान नहीं होना है, भागना दौड़ना नहीं है, 10 दिन भर में 100 वीडियो नहीं देखना है कि उन्होंने कहा आ गया, उन्होंने कहा अब आने वाला है, वो कह रहे हैं कुछ और, सबकी बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करिए। एडमिट कार्ड की चिंता छोड़ दीजिए, आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।